Hello everyone. Today we will discuss about physiology of adrenal gland. Myself, Dr. Nonita Gangwani from Department of Physiology. So, introduction. The adrenal gland develops from two separate embryological tissues, that is the neural ectoderm and the intermediate mesoderm. Medulla originates from the neural crest cells. The adrenal cortex develops from the intermediate mesoderm. Fetal cortex develops in the center with the permanent cortex surrounding it. By 4 months of age, the adrenal gland is fully developed. Now, the anatomy of adrenal glands. So mainly these adrenal glands are small paired glands. एकदम छोटे paired glands होते हैं. Paired मतलब दो adrenal glands present होते हैं. किडनी के ऊपर, जैसे किडनी जो होती है वो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होती है, एकदम उसके ऊपर छोटा सा एक ग्लैंड होता है एड्रेनल ग्लैंड, और दो किडनी है सो दो एड्रेनल ग्लैंड. सो एड्रेनल ग्लैंड्स आर पेयर्ड ग्लैंड और मेनली उनके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला. तो इस डायग्राम में यही दिखाया है, जो लेफ्ट साइड में डायग्राम है तो जैसे देख रहे हो जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है वो किडनी है, और किडनी के ऊपर छोटा सा येलो कलर का ग्लैंड प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड. और जो राइट साइड में डायग्राम है उसमें ये दिखाया है कि सेंटर में जो उसका पार्ट है उसको मेडुला बोलते हैं और बाहर वाला कॉर्टेक्स. तो ये याद रखना, कॉर्टेक्स बाहर होता है और मेडुला अंदर होता है. तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो रेडिश कलर का होता है, रेडिश से लाइट ब्राउन कलर का, और उसको हम बाहर से अंदर की तरफ तीन लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलारिस. तो ये तीन लेयर्स होती हैं, और एड्रेनल कॉर्टेक्स अराउंड 80-90% होता है एड्रेनल ग्लैंड का, और जो एड्रेनल मेडुला है वो 10-20%. इस स्लाइड में हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाया है एड्रेनल ग्लैंड का. बाहर एक पतली सी लेयर है, वो होती है कैप्सूल, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, और सबसे अंदर जो 10-20% होता है वो मेडुला. अब ये मेडुला तो ग्रीन कलर का, जो नीचे एकदम डार्क ग्रीन कलर का दिखाया है वो मेडुला है. फिर जो कॉर्टेक्स की तीन लेयर्स होती है वो होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो की बाहर की थोड़ी सी लेयर है जिसमें सेल्स जैसे दिखते हैं वैसे गुच्छों के फॉर्म में, मतलब स्मॉल क्लम्स ऑफ सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है. जोना फेसिकुलेटा में जो सेल्स होती है वो ऐसे कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, दो कॉलम ऑफ सेल एक साथ प्रेजेंट होती है, फिर थोड़ा सा गैप होता है, फिर दो कॉलम ऑफ सेल होती है. जोना रेटिकुलारिस में सेल्स बिल्कुल डिफ्यूजली प्रेजेंट होती है, मतलब कोई भी पैटर्न नहीं है, ऐसी बस वो प्रेजेंट होती है. एड्रेनल ग्लैंड्स आर फॉर्म, और जो कैप्सूल होती है वो इजीली फ्रैक्चर हो जाती है ऑन फ्लेक्शन. कॉर्टेक्स इज येलो एंड रेडियली स्ट्राइएटेड. अब जो जोना ग्लोमेरुलोसा है इज नैरो एंड सेल्स आर प्रेजेंट इन अ वर्ल्ड पैटर्न. जोना फैसिकुलेटा इज वाइड एंड सेल्स लाई इन कॉलम्स. एंड जोना रेटिकुलारिस इज मोर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड.
फिजियोलॉजी ऑफ एड्रेनल ग्लैंड. सो एड्रेनल ग्लैंड के एक एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का ही एक पार्ट है, उसमें से एक ग्लैंड है वो, और वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है. सो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वो सिक्रीशन जो ये ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि डायरेक्टली हम ब्लड में सिक्रीट कर देंगे और फिर वो अपने टारगेट टिश्यू पे एक्ट करती है. तो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है जो उसकी तीन लेयर्स है, तीनों लेयर से अलग अलग हॉर्मोन रिलीज होता है. जैसे एल्डोस्टेरोन जो होता है वो उसकी आउटर लेयर से मतलब जो उसकी जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर है उससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है. एल्डोस्टेरोन जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है. फिर उसके बाद जो उसकी बीच की लेयर है उससे कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है. और लास्ट की लेयर से एंड्रोजन या सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट. तो इस डायग्राम में यही दिखाया है, जो नीचे है वो तो पूरा एड्रेनल ग्लैंड है, तो बाहर वाला एड्रेनल कॉर्टेक्स है और जो सेंटर में ब्लू कलर का दिखाया है वो एड्रेनल मेडुला है. तो जब हमने इसका स्ट्रक्चर लिया वही तीन लेयर्स हो गई, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलारिस. अब याद करने का इसमें ये सिंपल तरीका है GFR. जो GFR होता है वो तुमने किडनी में पढ़ा होगा, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट. तो इसमें भी कॉर्टेक्स का सिंपल निमोनिक है ताकि आपको लेयर्स याद रहे. तो जी जो होता है वो जोना ग्लोमेरुलोसा वो बाहर की तरफ होगी, उससे सॉल्ट को रेगुलेट करने वाला हार्मोन रिलीज हो रहा है. तो यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज एल्डोस्टेरोन. फिर एफ जो है वो सेकेंड लेयर जोना फैसिकुलेटा जो बीच की सबसे मोटी लेयर है 3/5 लेयर, उससे स्वीट यानी ग्लूकोज को रेगुलेट करने वाला हार्मोन रिलीज हो रहा है यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसोल. फिर जो लास्ट की लेयर है आर जोना रेटिकुलारिस, उससे सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं वो रिलीज हो रहे हैं. सो GFR सॉल्ट स्वीट एंड सेक्स स्टेरॉइड्स. तो जो एल्डोस्टेरोन है वो किडनी को हेल्प करता है जो भी सॉल्ट का बैलेंस रेगुलेट करने के लिए. कॉर्टिसोल या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है वो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, और इनको ब्रेक करके वो एनर्जी बनाता है और मेनली ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा देता है. फिर वो हेल्प कॉर्टिसोल जो है वो स्ट्रेस में भी हेल्पफुल है और वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है. फिर जो स्टेरॉइड्स होते हैं सेक्स स्टेरॉइड, उसमें मेनली एंड्रोजन होता है. एंड्रोजन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है और ईस्ट्रोजन होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन. फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम मेनली इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन. सो जो किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जो उसका पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां पे और जो आगे के कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं वहां पे मेनली DCT से भी ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट्स में सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी और पोटेशियम की सिक्रीशन होती है वहां. सो मेन इफेक्ट इनका कलेक्टिंग डक्ट्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इनमें होता है. यहाँ पे वो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कराएंगे और पोटेशियम को सिक्रीट कराएंगे. साथ ही एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराता है सलाइवरी ग्लैंड्स में भी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भी मतलब कोलोन. तो अब ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिसमें बताया एल्डोस्टेरोन कैसे ऐड कर रहा है. सो अगर बॉडी में पोटेशियम लेवल ज्यादा है या फिर सोडियम लेवल कम है तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है. फिर उसके रिस्पांस में एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स. अब ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से जब एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ ये किडनी पे ऐड करेगा और वहां पे मे बी कलेक्टिंग डक्ट्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराएगा और पोटेशियम को सिक्रीट कराएगा. तो
इससे क्या होगा, ब्लड में सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाएगी और पोटेशियम कम हो जाएगा, तो जो सोडियम पोटेशियम की लेवल है वो नॉर्मलाइज हो गई और हमारा ब्लड प्रेशर वापस राइज कर जाएगा। तो जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा था वो वापस नॉर्मल हो जाएगा एल्डोस्टेरोन के एक्शन से। कोर्टिसोल कैसे एक्ट करता है, वो एक तो मसल का फंक्शन मेंटेन करता है, मसल के मास को कम करता है, फिर वो बोन की फॉर्मेशन को कम करता है और बोन रिसॉर्प्शन मतलब बोन का ब्रेक डाउन जो होता है वो बढ़ा देता है। कनेक्टिव टिश्यू को भी डिक्रीज करता है क्योंकि कोलेजन के फंक्शन को वो इनहिबिट करता है। कार्डिक आउटपुट मेंटेन करता है। आर्टेरियोलर टोन मतलब जो हमारी आर्टरीज की अपनी टोन है उसको इंक्रीज करता है। एंडोथेलियम की परमिएबिलिटी को कम कर देगा। इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स को इनहिबिट करेगा, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर कॉर्टिसोल ज्यादा होगा। देन इट फैसिलिटेट्स मैचुरेशन ऑफ द फीटस। क्या होता है, जो बच्चा होता है उसमें जो भी लंग्स की डेवलपमेंट होती है मतलब जो सर्फेक्टेंट सिक्रीट हो रहा है और जो CNS और रेटिना इन सब की डेवलपमेंट हो रही है उसमें कॉर्टिसोल जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है। Then it increases glomerular filtration and free water clearance, और ये emotional tone और wakefulness को भी modulate करता है। So ये सारे functions हैं cortisol के, जो कि zona fasciculata से release होता है। अब इसकी regulation कैसे होती है cortisol की? So इसमें आता है हमारा HPA axis मतलब हाइपोथैलमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। तो अब क्या हुआ, जब अभी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस NTS स्टिमुलेट हुआ या कोई भी बॉडी में स्ट्रेस है या इमोशन का इफेक्ट है लिम्बिक सिस्टम का या पेनफुल स्टिमुलाय है या फिर सर्केडियन रेगुलेशन। सर्केडियन रेगुलेशन मतलब जो 24 आवर्स डे नाइट साइकिल के साथ रेगुलेशन हो रही है, ये सब स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को और वो रिलीज करता है CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे और वहां से रिलीज होता है ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर ACTH पॉजिटिव फीडबैक देता है एड्रेनल कॉर्टेक्स पे और वहां पे जोना फैसिकुलेटा से कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है और वो अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देता है। अब ये कॉर्टिसोल जो होता है वो फर्दर जाके इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को भी और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, तो इस नेगेटिव फीडबैक को हम बोलते हैं लॉन्ग लूप नेगेटिव फीडबैक। तो इसको पूरे एक्सिस को बोलते हैं हम HPA एक्सिस हाइपोथैलमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और एंटीरियर पिट्यूटरी पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स पे। पर जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज हुआ कॉर्टिसोल वो इनहिबिट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी। अब हम बाहर से एक्सोजीनस स्टेरॉइड हम सडनली स्टॉप क्यों नहीं कर सकते, मतलब जब आपने बाहर से किसी को स्टेरॉइड दिया तब आप उसको अचानक से बंद क्यों नहीं करोगे? इसलिए क्योंकि जब आप बाहर से किसी को स्टेरॉइड देते हो तो जो हमारी बॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है नॉर्मली वो कम हो जाता है या रुक जाता है। तो जब आप बाहर से बिल्कुल अचानक रोक दोगे तो ये कॉर्टिसोल बॉडी में नहीं होगा और ये हमारा साथ में बीपी को भी मेंटेन कर रहा था, आर्टेरियोलर टोन को भी मेंटेन कर रहा था और ग्लूकोज की लेवल को भी बढ़ा रहा था। तो ये सारे चीजें नहीं होंगी और बॉडी सडनली शॉक की स्टेट में चली जाएगी और पर्सन फेंट हो जाता है। इसीलिए जब भी आप स्टेरॉइड्स बाहर से देते हो तो जब आपको उन्हें बंद करना होता है तो हमेशा डोज को धीरे धीरे रिड्यूस करते टेपर करते हो ताकि बॉडी वापस अपनी सिंथेसिस स्टार्ट करे और नॉर्मल फंक्शन शुरू हो जाए। कुशिंग्स डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है,
ये तब होता है जब कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ गई है, मतलब मान लो या तो आपने बाहर से बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दे दिए, या फिर जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है उसमें कोई ट्यूमर हो गया, या हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में। तो इन सब से क्या होगा, बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ गया। जैसे ही बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो उसके फंक्शंस भी क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुशिंग्स डिसीज या कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई, सीएनएस इरिटेबिलिटी, मूड इरिटेबिलिटी, पर्सनालिटी चेंजेस, जो फेस होता है वो मून लाइक हो जाएगा, गोल गोल हो जाएगा, रेड कलर का फेस होता है क्योंकि आरबीसी काउंट बढ़ जाती है, फ्लूइड रिटेंशन या एडिमा होगा क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रही है, फिर इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कॉर्टिसोल इम्यूनिटी को कम करता है, मेल्स में गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है वो बिल्कुल थिन होती है, जीआई डिस्टर्बेंसेस होती हैं, पर्पल स्ट्राया प्रेजेंट होते हैं स्किन पे क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है एब्डोमेन और बैक में, बैक ऑफ नेक में, उसको हम बोलते हैं बफेलो हम्प, और फीमेल्स में एमेनोरिया होता है, हिर्सुटिज्म मतलब एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ हो जाती है, फेस पे भी स्किन थिन होती है, बहुत ज्यादा ब्रूसेस और पिटिकी होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स होते हैं कुशिंग डिसीज के, और ट्रीटमेंट यही है, कॉर्टिसोल की लेवल को कम करो या ट्यूमर को ट्रीट करो। अब एड्रेनल मेडुला, अभी तक जो हमने पढ़ा वो एड्रेनल कॉर्टेक्स था, अब एड्रेनल मेडुला, इससे क्या रिलीज होता है, कैटेकोलामिन्स, मेनली दो होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अब जो एड्रेनल मेडुला है वो मेनली एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, और जो बॉडी में और सिंपेथेटिक गैंग्लिया होते हैं वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं। अब नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसका काम क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है स्किन में, विसरास में और स्केलेटल मसल्स में, मतलब जो यहाँ की ब्लड सप्लाई हो रही है उनको, उन ब्लड वेसल्स की वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, उनका डायमीटर कम हो जाएगा। और जो एपिनेफ्रिन है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देगा, पेरिस्टाइसिस मतलब जो जीआईटी में मूवमेंट हो रही है उनको डिक्रीज कर देता है, फिर इंक्रीज करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द लेवर, मतलब ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा देगा, फिर वो वैसोडायलेटेशन कराता है स्केलेटल मसल्स में और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है स्किन और विसरा में, फिर इट इंक्रीजेस द यूज ऑफ फैट्स फॉर एनर्जी, इंक्रीजेस द रेट ऑफ सेल रेप्लिकेशन, और इन सबको रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस कर। डिफरेंसेस मेनली एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन में क्या है, वैसे तो दोनों का ऑलमोस्ट काम सेम सा है, बट अगर एपिनेफ्रिन ज्यादा है नॉरएपिनेफ्रिन से तो कार्डिक आउटपुट ज्यादा इंक्रीज होगा, एपिनेफ्रिन ज्यादा बढ़ाता है कार्डिक आउटपुट। अगर नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है ब्लड वेसल्स की, जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है और मेनली हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और एपिनेफ्रिन कार्डिक आउटपुट बढ़ाते हैं। एपिनेफ्रिन जो है वो मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा बढ़ाता है कंपेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, इट इज रिलीज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, कोई शॉक है, फियर है, और ये हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल। और जो नॉरएपिनेफ्रिन या फिर इसका दूसरा नाम है नॉरएड्रेनालिन, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और एपिनेफ्रिन की तरह हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ा देता है। बट मेन डिफरेंस यही है कि एपिनेफ्रिन जो होता है वो मेनली वेसोडायलेटेशन मतलब वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा रहा है,
स्केलेटल मसल को सप्लाई कर रही है और जो नॉरएपिनेफ्रिन है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है। फिर एड्रेनल मेडुला एक प्रोटीन भी प्रोड्यूस करते हैं क्रोमोग्रेनिन ए जो कि स्टोर और सिक्रीट होता है अलोंग विद एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। फाइट और फ्लाइट रिस्पांस, फाइट और फाइट रिस्पांस तो होता है जब भी कोई शॉक लाइक स्टेट है, मतलब मान लो आप किसी चीज से डरते हो, आपके सामने शेर आ गया या फिर आप छिपकली से डरते हो, तो उसके रिस्पांस में या फिर ऐसा कोई है जिसको देख के आप एकदम भाग जाते हो वहां से, तो वो होती है फाइट या फ्लाइट। फ्लाइट मतलब उस जगह से भाग जाना, फाइट मतलब जब आप उसको रोकते हो और उसका सामना करते हो। जैसे किसी से लड़ाई हो रही है तो वो फाइट वाला रिस्पॉन्स और फ्लाइट वाला वहां से भाग जाना। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है, सबसे पहले एक एमिग्डाला सेंटर है सीएनएस में, वो रिस्पॉन्ड करता है उसको। दूसरा हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा जिससे हमारा एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। मेनली जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया है उनसे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा। फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स भी स्टिमुलेट होता है, वहां से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, एड्रेनल मेडुला से एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। तो मेनली ये तीन चीजें होंगी। फिर इसके रिजल्ट में क्या होगा, प्यूपिल्स की डायलेटेशन मतलब उनका डायमीटर बढ़ गया, ड्राई माउथ हो जाता है, एकदम गला सूख जाएगा, फास्ट ब्रीथिंग होगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, हार्ट पाउंडिंग मतलब हार्ट रेट बढ़ता है और पैल्पिटेशंस होती हैं, मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाएंगी, डाइजेशन बिल्कुल स्लो हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन वाली फीलिंग होगी और स्वेटिंग होगी पाम्स में। तो ये सारे फीचर्स होते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और वो हो क्यों रहा है, एमिग्डाला की वजह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से, और जो एड्रेनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल रिलीज करेगा उसकी वजह से।